रिक्शा हुआ, ठेला हुआ, साइकिल चलाते हैं सब, मगर उतने से भी हम लोग रात में 12 बज गया इस टाइम यहाँ पर है जी सर। कैसे रहते हैं, यही रहते हैं लोग सब? हम क्या करें, हम लोग मजबूर आदमी है, कोई मिलता है तो कमाते हैं, नहीं तो कोई रोड पर सो जाते हैं। क्या बच रहा है वही देह पर लदा रहा है, तो रोकेंगे उसमें भाड़ा नहीं देंगे आज के, वो गरज अपना चलाएंगे। यही रहते हैं आप लोग रात भर? हाँ रात में यही रहते हैं। नमस्कार, मैं आज इस वक्त लगभग समय रात के 12 बज रहे होंगे और मैं अम्बेडकर चौक के पास खड़ा हूँ। सर्द हवा चल रही है, यानी शहर में और बाहर की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री हो जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि अलाव ताप रहे हैं। कुछ लोग बताया जा रहा है बाहर से आए हैं और कुछ लोग जो यही रिक्शा चालक हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, ना घर है ना बसेरा, वही हालात है। आप रिक्शा पर देख लीजिए कि एक युवक जो है वो सोया हुआ है, यानी वो रिक्शा चला कर आया है, थक गया है, खाना खाया है नहीं खाया ये नहीं पता, लेकिन सो गया है। ज़रा बात करेंगे इनसे कि भाई कहाँ से आ रहे हैं और क्या दिक्कत है। भाई कहाँ से आप लोग आए, रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वो तो यही मजा करता। क्या दिक्कत हो रही है, ठंड बढ़ गई है? क्या दिक्कत हो रही है, मान लो ठंड पड़ रहा है तो उसमें कमाना भी तो है, अब ठंड ही पड़ रहा है तो क्या करेंगे, अपना बाल बच्चा देखेंगे। ठंड में कितनी कमाई हो पा रही है? वही 250-300 रुपये अभी तो हो रहा है। मालिक को कितना देना होता है? 300 रुपये देना है। तो कमा के तो उन्हें दे देते होंगे? हाँ उसी को दे देते हैं। फिर आपका क्या बच रहा है? क्या बच रहा है वही देह पर लदा रहा है, तो रोकेंगे उसमें भाड़ा नहीं देंगे आज के, वो गरज अपना चलाएंगे। यही रहते हैं आप लोग रात भर? हाँ रात में यही रहते हैं। यहाँ क्यों बैठे रहते हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या करेंगे, सवारी के इंतजार कर रहे हैं। सवारी के इंतजार में? हाँ। कितना लोग आ रहता है यहाँ पर रोज? रोज तो अभी रहिए जाता है 20 आदमी करता है गाड़ी वाला, 20 आदमी रह जाता है। हाँ तो ये हालात है और ऐसे में जो लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगियां गुजारते हैं वो लोग यहाँ रहते हैं। एक और युवक है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी साहब, हम लोग, हमारा नीतीश कुमार यादव। क्या करते हैं आप? साहब हम ट्रक चलाते हैं। ट्रक? जी। अच्छा, अभी हमको फिलहाल में कोई काम नहीं मिला है तो हम लोग ये रिक्शा हुआ चला रहे हैं, रिक्शा हुआ, ठेला हुआ, साइकिल चलाते हैं सब, मगर उतने से भी हम लोग रात में 12 बज गया इस टाइम यहाँ पर है जी सर। कैसे रहते हैं, यही रहते हैं लोग सब? हम क्या करें, हम लोग मजबूर आदमी है, कोई मिलता है तो कमाते हैं, नहीं तो कोई रोड पर सो जाते हैं। हम लोग करेंगे क्या सर, रिक्शा चलाते हैं जी सर। तो रेन बसेरा है, वहाँ कहा नहीं चले जाते? लाइन बसेरा हम लोग साहब नहीं देखे, हम लोग लोकल आदमी है, यहाँ से हम लोग का 6-7 किलोमीटर घर पड़ेगा, 10 किलोमीटर। अभी रात इतना रात हो गया यहाँ पर है, इसीलिए हम यहाँ पे रहते हैं कि मतलब कि आगे जाएंगे तो कोई सवाल करेगा, आपके जैसे सवाल कोई करेगा कि नीतीश यहाँ पे किस लिए जा रहे हैं, कहाँ है? सवारी के लिए भी रहते हैं क्या आप लोग? जी। मिलता है ठंडा में सवारी? सवारी कहाँ मिल रहा है सर? नहीं मिल, कोई देखता है तो वो रूट के लिए हम लोग को बैठाने को नहीं चाहते है, नहीं चाहता है जी। तो ऐसी हालात में ये लोग जो है यहाँ पर रात गुजारते हैं, यानी एक इंतज़ार रहती है कि कोई आ जाएगा और इनको सवारी मिल जाएगा, फिर ये लोग उस रात को उन सवारी के साथ काट लेंगे और 2 पैसे भी इनके पास आ जाएगा, क्योंकि मालिक को भी पैसा देना होता है और इनका खुद का भी खर्च और परिवार का खर्च चलाना होता है।